Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the part 3 of the Penthouse drama story explanation. वीडियो के दो पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर आप दोनों पार्ट्स एंजॉय कर सकते हैं. पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्योन की हेल्प से ओयुनी की हेरा पैलेस में एंट्री हो जाती है, पर चोनसो जिन समेत सभी हेरा पैलेस के रेजिडेंट्स के लिए ये बात हजम करनी मुश्किल हो जाती है. बेरोना के क्लासमेट्स जो कि हेरा पैलेस में ही रहते हैं उससे मिलने उसके अपार्टमेंट पर आते हैं और ओयुनी भी बाकी रेजिडेंट्स के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में लग जाती है. पर चोनसो जिन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो ओयुनी को हेरा पैलेस से निकालने के लिए अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है. चोनसो जिन जू दांते के साथ मिलकर हेरा क्लब के मेंबर्स की मीटिंग बुलवाती है जिसका एजेंडा ओयुनी को हेरा पैलेस से बाहर निकालने का होता है. पर सरप्राइजिंगली सीक्रेट वोटिंग्स में ज्यादा वोट्स ओयुनी के फेवर में आती है जिसकी वजह से ओयुनी को हेरा पैलेस से निकालने का चोनसो जिन का मकसद पूरा नहीं हो पाता. उधर बेरोना के स्कूल में भी किड्स के बीच इक्वेशंस चेंज होने लगती है. चोनसो जिन की बेटी जो जुदांते के बेटे को काफी समय से लाइक करती है उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है, पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि जुदांते का बेटा सोखुन बेरोना को लाइक करने लग जाता है. इसी जेलेसी में चोनसो जिन की बेटी जब किड्स के साथ बेरोना के अपार्टमेंट पे जाती है तो वो चुपके से उसके स्कूल बैग में सिगरेट का पैकेट रख देती है, पर सोखुन बेरोना को बचाने के लिए उसका सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है जिससे चोनसो जिन की बेटी बेरोना से और ज्यादा नफरत करने लगती है. बेरोना और चोनसो जिन की बेटी के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा ही हो जाता है जैसे स्कूल के दिनों में ओयुनी और चोनसो जिन के बीच होता है. उनकी पास्ट लाइफ के एक फ्लैशबैक सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैसे चोनसो जिन जो ओयुनी से सब कुछ छीनना चाहती थी उससे उसका बॉयफ्रेंड भी छीन लेती है. वो अपने पैसे और पावर का लालच देकर ओयुनी के बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है, हालांकि इस रिश्ते से प्रेजेंट में दोनों में से कोई भी खुश नहीं है. चोनसो जिन अपने हस्बैंड और ओयुनी को एक साथ देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है और जब उसका हस्बैंड उसे फॉलो करता है तो वो उसे और जुदांते को साथ देखकर शॉक्ड रह जाता है. उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और गुस्से में वो उन्हें जान से मारने के बारे में सोचता है, पर उसका इरादा जल्दी ही बदल जाता है और नशे की हालत में चोनसो जिन का हस्बैंड ओयुनी के घर पर ही सो जाता है. पर अगली सुबह बेरोना उसे अपने घर से निकलते हुए देख लेती है. स्कूल में आए नए पीई टीचर से हेरा पैलेस के सारे किड्स परेशान हो जाते हैं और जुदांते रिश्वत देकर टीचर को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके बच्चों को स्पेशली ट्रीट करे, पर असल में टीचर का मकसद कुछ और ही होता है. दरअसल पीई टीचर कोई और नहीं बल्कि मिनसोला का अडोप्टिव भाई होता है जो सूर्योन और मिनसोला के रिश्ते की सच्चाई जानता है और यही सच वो हेरा पैलेस के लोगों को बताने के लिए सूर्योन को 10 दिन का वक्त देता है. उधर जुदांते जिसे मजबूरी के चलते ओयुनी को हेरा पैलेस में लाना पड़ता है अब ओयुनी को सबक सिखाने की ठान लेता है और एक फॉल्स इन्वेस्टमेंट की खबर ओयुनी के कानों तक पहुंचाता है. इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनकर ओयुनी अपना सारा पैसा उसमें गंवा देती है और उसके हाथ खाली रह जाते हैं. ये सब बात जब सूर्योन को पता चलती है तो वो ओयुनी को उसके पैसे वापस दिलवाने की एक तरकीब सोचती है. दरअसल जुदांते कई महीनों से एक बहुत बड़े फॉरेन बिजनेसमैन लोगन ली से मीटिंग करना चाहता है, पर लोगन ली के बिजी शेड्यूल की वजह से उसका हर अटेम्प्ट फेल हो जाता है. सूर्योन ओयुनी को आइडिया देती है कि अगर किसी तरह से ओयुनी जुदांते और लोगन ली की मीटिंग करवा देती है तो कुछ बात बन सकती है और ओयुनी की कोशिशों से सूर्योन का प्लान कामयाब हो जाता है. जुदांते और लोगन के बीच होने वाली बिजनेस डील में ओयुनी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती है जिसके चलते मजबूरी में जुदांते को ओयुनी को अपनी कंपनी में अपॉइंट करना पड़ता है और सूर्योन ओयुनी के जरिए जुदांते पर और भी करीब से नजर रख पाती है. और मैं आप लोगों को बता दूं कि असल में लोगन ली और स्कूल टीचर दोनों एक ही पर्सन है. लोगन ली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अपनी बहन मिनसोला की मौत की सच्चाई जानने और उसके कातिलों को सजा दिलवाने के लिए अमेरिका से कोरिया आया है. स्कूल में एज अ पीई टीचर आना और जुदांते से मीटिंग करना सब उसके प्लान का हिस्सा होता है. लोगन ली किसी तरह से मिनसोला को फोन हासिल कर लेता है जिसके बाद वो हेरा पैलेस के किड्स को धमकी भरे मैसेजेस सेंड करता है. चोनसो जिन की बेटी उनब्योल इसका पूरा ब्लेम बेरोना पर डाल देती है क्योंकि बेरोना पहले मिनसोला के अपार्टमेंट में रहती थी तो सोखुन के अलावा सभी किड्स उनब्योल की बातों पर विश्वास कर लेते हैं. सभी मिलकर बेरोना को हेरा पैलेस की कम्युनिटी हॉल में बुलाकर ठीक वैसे ही परेशान करते हैं जैसे उन्होंने मिनसोला को किया था.
लोगन ली और जुदांते के बीच बिजनेस डील साइन होने की खुशी में पैरा पैलेस में ग्रैंड पार्टी होती है, जिसमें ऑब्वियसली लोगन ली भी इनवाइटेड है। पार्टी में होने वाले लाइटिंग इवेंट के दौरान मिनसोला के पुतले और धमकी भरे बैनर से पार्टी का माहौल बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से लोगन ली वहां से नाराज होकर चला जाता है। सब लोग इसका ब्लेम एक दूसरे पर डाल देते हैं। उधर इन सब हलचल के बीच लोगन ली की धमकियों से परेशान सूर्योम अपने और मिनसोला के रिश्ते की सच्चाई सबको बताने ही वाली होती है कि चोनसो जिन सभी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम सूर्योन पर लगा देती है, क्योंकि चोनसो जिन ने सूर्योन के ऑफिस में मिनसोला की पेंटिंग देखी थी। पर सूर्योन सभी इल्जामों को नकारते हुए कहती है कि ये सच है कि उसने मिनसोला को उस रात हैरा पैलेस के 47 फ्लोर से गिरते हुए देखा था और उसने मिनसोला को फेंकने वाले पर्सन के हाथों में रेड कलर की रूबी रिंग भी देखी थी और सभी जानते हैं कि वो रूबी रिंग चोनसो जिन की होती है। सूर्योन आगे कहती है कि वो जुदांते और चोनसो जिन के अफेयर के बारे में भी सब कुछ जानती है और उसे शक है कि ये सच्चाई मिनसोला भी जानती थी, जिसे छुपाने के लिए चोनसो जिन और जुदांते ने मिलकर मिनसोला का मर्डर कर दिया है। ये सब सुनकर सभी का ध्यान चोनसो जिन और जुदांते की अफेयर वाली बात पर चला जाता है और लोगन ली, जो पार्टी में सेटअप किए गए कैमराज के थ्रू इस पूरे कन्फेशन को देख रहा होता है, वो जान जाता है कि सूर्योन उन सब लोगों की साजिशों का हिस्सा नहीं है और सूर्योन के बारे में लोगन ली का ओपिनियन चेंज हो जाता है। उधर चोनसो जिन की बेटी उनव्योल स्कूल एम्बेसडर की कॉम्पिटिशन में हार जाती है। चोनसो जिन अपनी बेटी को बेरोना के अगेंस्ट भड़काती है और इतना ही नहीं, चोनसो जिन अपने हस्बैंड और ओयुनी के बीच अफेयर होने की फेक कहानी भी उनव्योल को बताती है, जिसके बाद उनव्योल बेरोना को ब्लैकमेल करके उससे एक नोट साइन करवाती है। ओयुनी के अफेयर की बात से एम्बेरेस्ड बेरोना वैसा ही करती है जैसा उनव्योल उसे करने के लिए कहती है। बेरोना सभी किड्स के सामने धमकी भरे मैसेजेस सेंड करने की बात एक्सेप्ट कर लेती है और स्कूल से विड्रॉ भी कर लेती है। ओयुनी को जब बेरोना के विड्रॉल के बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। बेरोना ओयुनी से सच छुपाती है लेकिन सूर्योन को सब सच बता देती है। सूर्योन सारी बात ओयुनी को बता देती है और ओयुनी चोनसो जिन से इस बात का बदला लेने की ठान लेती है। उधर चोनसो जिन और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो जाता है, पर ये बात चोनसो जिन के फादर को नहीं पता होती। दरअसल चोनसो जिन डिवोर्स की बात इसलिए छुपाती है क्योंकि ये सच जानकर उसके फादर उनके स्कूल के डायरेक्टर की पोजीशन चोनसो जिन को कभी नहीं देते और डायरेक्टर की पोजीशन हासिल करना चोनसो जिन की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है। पर ओयुनी उसके डिवोर्स की खबर उसके फादर को दे देती है, जिसके बाद फादर अपनी वसीयत बदल देते हैं। पर ऑफिस से निकलते वक्त चोनसो जिन के साथ बहस के दौरान वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं, पर चोनसो जिन बदली हुई वसीयत लेकर अपने फादर को उसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। सूर्योन डिटेक्टिव के थ्रू उस होटल का पता लगा लेती है जहां स्कूल टीचर रहता है। वो उसे फॉलो करते हुए वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर लोगन ली ही टीचर है। उसे मिनसोला के ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली बात याद आ जाती है। गुस्से में सूर्योन लोगन ली पर अटैक करती है, पर लोगन उसे शांत करते हुए कहता है कि उन दोनों का मकसद एक ही है और मिनसोला के कातिलों को सजा दिलवाने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए सूर्योन और लोगन हाथ मिला लेते हैं। मर्डर वाली रात का एक और फ्लैशबैक सीन ऑडियंस को देखने को मिलता है। दरअसल जिस जगह से मिनसोला गिरती है उस रेलिंग पर जुदांते मिनसोला को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तो क्या जुदांते मिनसोला का असली कातिल है? सच का खुलासा होना बाकी है। सूर्योन कुछ कन्फेस करने के लिए ओयुनी को उसी फ्लोर पर बुलाती है जहाँ से गिर कर मिनसोला की मौत हुई थी, पर उस जगह को देखते ही ओयुनी की मर्डर वाली रात की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। जब जुदांते मिनसोला को मारने वाला होता है तो किसी के वहां होने की आहट से घबराकर जुदांते वहां से चला जाता है और मिनसोला को लगता है कि वहां मौजूद ओयुनी ने उसकी जान बचाई है। पर अगले ही पल नशे में धुत ओयुनी मिनसोला को उठाकर छत से फेंक देती है और सूर्योन की बेटी को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ओयुनी होती है। और जो रेड कलर की रूबी रिंग सूर्योन ने देखी थी वो असल में रिंग नहीं बल्कि मिनसोला के गले का रेड कलर का एप्पल नेकलेस होता है, जो मिनसोला को फेंकते वक्त ओयुनी के हाथों में रह जाता है। ओयुनी को याद आ जाता है कि अपनी बेटी बेरोना के स्कूल में एडमिशन के लिए उसने ही मिनसोला को मार दिया है। ओयुनी सब याद आने की वजह से सदमे में होती है कि वहां सूर्योन आ जाती है और वो ओयुनी के सामने कन्फेस करती है कि मिनसोला की मौत का रिवेंज लेने के लिए अब तक वो उसका इस्तेमाल कर रही थी और असल में वो मिनसोला की माँ है। ओयुनी के सच और सूर्योन के खुलासे के बाद दोनों के बीच की इक्वेशंस कैसे चेंज होने वाली है और सूर्योन कैसे ओयुनी के सच को जान पाएगी, वी विल सी इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।